सब्सक्राइब करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम, डेली कुकिंग में होस्ट शर्का यास्मीन आपके साथ, और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी छिड़का। किस तरह से बनेगा, चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। बेसन, पालक दरमियानी कटी हुई, साबुत ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक हसबे ज़ायका, खाने का सोडा, ज़र्दे का रंग। बेसन में 1/4 टीस्पून, सबसे पहले मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, उसके बाद 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, एक चुटकी खाने का सोडा, और ये थोड़ा सा फूड कलर, जर्दे का रंग जो आता है। इसके बाद मैं डालूंगी आखिर में नमक हसबे जायका। इनको मिक्स करेंगे। पानी से इसे घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, इकट्ठे सारा डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार है। अब इससे ज़्यादा मुझे इसे पतला भी नहीं करना और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। कटी हुई जो पालक है उसे मैं इस मिक्सचर में मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। इसे मैंने मिक्सचर में अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है। और अब इसका मैं छिड़का बनाऊँगी। छिड़का बनाने का तरीका देख लीजिए। ये हाथ में आपने पालक को लिया और छिड़का हमेशा तेज़ आंच में बनाएं। आप स्लो आंच में बनाएंगे तो ये तेल पी जाएगा। ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये मज़ेदार से छिड़के तैयार हैं। इसके ऊपर आप डालें चाट मसाला और मज़े ले लेकर चटनी के साथ नोश फरमाएं। इस तरह से मज़ेदार छिड़का तैयार है। और ये 5 मिनट की रेसिपी है। बस इसमें जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये कि बेसन को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं भूनना, यानी बहुत थिक उसको नहीं बनाना। अगर आप उसको थिक बनाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगा। जब ये कंप्लीट हो जाए, बन जाए, तो इसके ऊपर हल्का सा फ्रूट चाट स्प्रिंकल कर दीजिए। इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। इसके साथ ही कैजुअल कुकिंग से होम शेफ यास्मीन को दीजिए इजाज़त। फिर किसी भी में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। होम शेफ यास्मीन को ज़रूर करना सब्सक्राइब।